राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला सोलन की महिलाओं को अपनी आय में वृद्धि के लिए बेहतरीन अवसर मिल गए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब शुक्रवार शनिवार के दिन मॉल रोड पर अपनी दुकान लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। जिला सोलन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 8 विभिन्न ग्रुप की महिलाओं द्वारा आज मॉल रोड पर दुकान लगाई गई है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला ममता ठाकुर का कहना है कि सरकार द्वारा इस पहल के तहत महिलाओं को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अब अपने हाथों से बने उत्पादों को घर की जगह बाजारों में भी बेच पा रही है और अपनी आय में वृद्धि कर रही है। ममता का कहना है कि वह मक्की की रोटी घर पर बनाकर अचार मोमोज ये सभी चीजें अपनी दुकान में लगा रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। आजीविका का तो ये साधन देख सकते हैं NRLM के थ्रू काम करते हैं, तो NRLM के थ्रू जो हमारे पास जो भी हम बनाते थे तो पहले घर तक किसी में होता था, अभी जैसे हमारे को बेचने का एक जरिया मिल गया है तो हम अपना सामान जो भी तैयार करते हैं हम यहाँ पे आते हैं उसको सेल आउट करते हैं। जैसे हर फ्राइडे हमारा सैटरडे लगता है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, साथ में हमारा यहाँ खाने का भी है। हम मक्की की रोटी का हमारा ये काम है, हमारा 2-3 साल 4 साल से है तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अब की बार तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, जैसे मार्च में मक्की की रोटी का सीज़न ऑफ हो जाता था गर्मी के कारण, पर अब की बार हमें ज़्यादा टाइम मिला है। जैसे भगवान ने बरसात में भी हमारा थोड़ा साथ दिया है, साग थोड़ा अब मिल रहा है तो साग रोटी अभी तक चल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और साथ में हम सीटू भी बनाते हैं जो लोग शाम को आके हमारे पास बहुत चाव से खुश होकर खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन।